हे दोस्तों, फिर से एक बार आपका स्वागत है हमारे चैनल टेक्निकल दिलसाद में। और आज इस वीडियो में हम सीखेंगे PQ ऐप हाउ टू यूज। सिंपल बात है, हम इस वीडियो के द्वारा जानेंगे PQ ऐप को डाउनलोड कैसे करें और PQ ऐप में फोटो कैसे बनाएं और PQ ऐप में एडिटिंग कैसे करें या फिर PQ ऐप में बैकग्राउंड कैसे चेंज किया जाता है। ये सब जानने के लिए हमारी इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखिएगा। इसलिए वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों में व्हाट्सएप पर शेयर कर दीजिए और आपका ज्यादा समय ना लेते हुए जान लेते हैं PQ ऐप को कैसे यूज किया जाता है। तो सबसे पहले तो PQ ऐप को अपने मोबाइल में इंस्टॉल करने के लिए आपको प्ले स्टोर में जाना होगा और आपको प्ले स्टोर में सर्च करना होगा PQ। जैसे ही आप यहाँ पर PQ सर्च करेंगे तो आपके सामने PQ एप्लीकेशन आ जाएगा। आपको सिंपल PQ एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लेना है। अब यहाँ पर दोस्तों, जब आप PQ एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लोगे तो आपको इसका आइकन कुछ इस तरह से दिखाई देता है। आपको सिंपल करना क्या है, PQ एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। और जब आप PQ ऐप को ओपन करते हैं तो नीचे आप यहाँ पर देखेंगे डिफॉल्ट रूप से यहाँ पर क्लिक होता है और ऊपर यहाँ पर आप अलग अलग फोटो की कैटेगरी देख सकते हैं। आपको यहाँ पर सबसे अमेजिंग फोटो मिल जाएंगी। आप यहाँ पर अलग अलग लोगों के फोटोज वगैरह देख सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों, जो ये फोटो हैं, ये किसी ना किसी ने अपलोड किए हैं और किसी ना किसी ने बनाए हैं। अगर आप भी यहाँ पर खुद अपने फोटो अपलोड करना चाहते हैं तो आपको सबसे नीचे यहाँ पर एक प्रोफाइल फीचर दिया गया है। जैसे ही आप यहाँ पर प्रोफाइल पर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर फेसबुक से लॉग इन करने के लिए बोला जाता है। सिंपल बात है, आप यहाँ पर फेसबुक से अपना अकाउंट बना सकते हैं और आप भी यहाँ पर PQ ऐप में अपने फोटो अपलोड कर सकते हैं। जिस तरह आप यहाँ पर लोगों के फोटो देख रहे हैं, आप यहाँ पर अपने खुद के फोटो भी अपलोड कर सकते हैं। सिंपल बात है, यहाँ पर आप अपनी आईडी बनाने के बाद फोटो अपलोड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप आईडी नहीं बनाना चाहते तब भी आप यहाँ पर अपने फोटो एडिट कर सकते हैं। PQ एप्लीकेशन दो तरह से आपको अवेलेबल मिलता है। एक तो नीचे अगर आप यहाँ पर देखेंगे, ये ताज का निशान है, अगर आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर प्रीमियम फोटोज वगैरह मिल जाते हैं जो प्रीमियम है। ये फोटो आप पैसे देकर ही यूज कर सकते हैं। प्रीमियम इसमें कुछ प्लान लेने पड़ते हैं। अगर आप यहाँ पर सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर कुछ समय का टाइम लेगा और आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस मिल जाएगा। प्रीमियम प्लान में यहाँ पर 260 रुपए आपको महीना देना होता है। लेकिन अगर आप पूरे साल के लिए इसे परचेज करना चाहते हैं तो यहाँ पर 1400 रुपए है। और अगर आप लाइफ टाइम लेना चाहते हैं तो ये 2650 रुपए है। और प्रीमियम फीचर लेने से आप यहाँ पर ऊपर देख रहे हैं, काफी सारे फीचर आपके पास खुल जाएंगे। जो यहाँ पर बेसिक चीजें हैं, जैसे कि आपके पास कोई भी एड नहीं आएगा और जो भी फोटो आप यहाँ पर सेव करेंगे उस पर कोई वाटरमार्क नहीं आएगा। प्रीमियम इफेक्ट आप यूज कर सकते हैं, अनलिमिटेड स्टोरी टेम्पलेट आप यूज कर सकते हैं और अनलिमिटेड कटआउट बैकग्राउंड आप यूज कर सकते हैं। प्रीमियम एडिटिंग फंक्शन आपको यहाँ पर मिल जाते हैं और AI कटआउट प्रो का फीचर भी आपको यहाँ पर मिल जाता है। लेकिन हम यहाँ पर इस बार फ्री यूज करने वाले हैं तो हम यहाँ पर एक बार नीचे क्लिक कर देते हैं और यहाँ पर कुछ इस तरह से हमारे पास जो फ्री वाले वर्जन है वो आ रहे हैं। हम यहाँ पर पहले इनमें से कोई अपना एक फोटो चूज कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर इस फोटो पर अपना फोटो बनाना चाहूंगा। मैं यहाँ पर एक बार क्लिक करता हूँ और अब हमारे सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ चुका है। हम यहाँ पर स्लाइड करने के बाद किसी दूसरे फोटो पर भी फोटो बना सकते हैं। तो अब हमें यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर ये टेम्पलेट डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर आपके मोबाइल में आपके मोबाइल की गैलरी ओपन हो जाएगी। आपको अपने मोबाइल की गैलरी से अपना कोई भी फोटो चूज कर लेना है। तो हमने यहाँ पर ये फोटो चूज कर लिया है और उसके बाद कुछ समय का यहाँ पर टाइम लेगा। आपका फोटो कटिंग होने में कुछ समय का टाइम लगता है। PQ एप्लीकेशन आपके फोटो को ऑटोमेटिकली कटिंग कर देती है। तो आप यहाँ पर देखते हैं, इसने यहाँ पर फोटो अपने आप ही कटिंग कर लिया है। नीचे सिर्फ यहाँ पर आपको केवल PQ ऐप का लोगो तो दिखाई देगा, ये तो जाहिर सी बात है। अगर आप इसको हटाना है तो यहाँ पर इसका प्रीमियम प्लान लेना पड़ेगा अगर आप यहाँ पर ये वाटरमार्क हटाना चाहते हैं। तो हम यहाँ पर अभी इसे रहने देते हैं। अब आपको यहाँ पर एक बार क्लिक करना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। आपको यहाँ पर एडिटिंग के काफी सारे फिल्टर दिए गए हैं, इफेक्ट दिए गए हैं। नीचे की तरफ आप यहाँ पर काफी सारे फिल्टर को यूज कर सकते हैं और यहाँ पर इसे आप और भी अच्छे तरीके से एडिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब आपको एडिट करने के बाद यहाँ पर सेव पर ऊपर एक बार क्लिक करना है। अब यहाँ पर कुछ समय का टाइम लेगा और आपके पास एक ऐड चलेगा। उस ऐड को बंद होने के बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपने मोबाइल की गैलरी में सेव करने के लिए इस तरफ स्लाइड करने के बाद यहाँ पर मोर पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको एक कॉपी फीचर मिल जाएगा। आपको कॉपी फीचर पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपके मोबाइल के फाइल मैनेजर ओपन हो जाएगा। आप जिस फोल्डर में फोटो को सेव करना चाहते हैं उस फोल्डर में जाने के बाद आपको नीचे यहाँ पर पेस्ट पर क्लिक कर देना है। तो हमने यहाँ पर ये फोटो सेव कर लिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर फोटो हमारे मोबाइल की गैलरी में सेव हो चुका है। इस तरह आप PQ ऐप को अपने मोबाइल में यूज कर सकते हैं और मुझे उम्मीद है आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। इसलिए वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों में व्हाट्सएप पर शेयर कर दीजिए और हमारी यह वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया।